Good morning students. So let us begin our class. Uh, I already told you to go through this topic which is on your screen right now. That is how NumPy arrays are internally stored. I hope you might have gone through this uh, topic which is uh, right now on the screen. If not, I am explaining you in brief uh, what this topic was all about. Alright, so here uh, kari talked about how uh, NumPy arrays get stored in the system. Alright, सो so, सिस्टम में जब भी नम्पाई एरे स्टोर होता है तो उसको स्टोर करने के लिए भी यहाँ पर यह वैरायटी ऑफ थिंग्स स्टोर करता है ठीक है जैसे कि क्या क्या वैरायटी ऑफ थिंग्स तो ये जनरली स्टोर करता है कुछ एक हेडर उसके बाद कुछ डेटा इसके अंदर होता है कुछ डायमेंशनस इसके अंदर होते हैं डायमेंशन अपने एनाटॉमी में देखा होगा वो डायमेंशनस और कुछ एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं स्ट्राइक तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक नम्पाई एरे जनरली स्टोर करता है जो हैडर होता है जो पहला टॉपिक यहाँ पर इन्होंने बताया है कि नंपई एरे के अंदर जो चीज़ होती है सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है हेडर हेडर में वो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है जैसे कि वॉट टाइप ऑफ डेटा टाइप दिस एलिमेंट हैज़ वेदर दिस एरे इज रीड ओनली और यू कैन एडिट दैट एरे और इट इज जनरली स्टोर इन विच फॉर्म द डेटा इज बिन स्टोर्ड दैट इज़ आई इधर इन द रो मेजर फॉर्म और इन द कॉलम मेजर फॉर्म सो ऑल दिस डिटेल जनरली गेट स्टोर्ड इन हेडर नेक्स्ट है डायमेंशन डायमेंशन मतलब कितने बाय कितने का एरे है वो डेटा जो होता है डेटा जनरली एक्चुअल डेटा जो आपका जो एरे है वो पूरा एरे में क्या क्या वैल्यूज हैं वो वैल्यूज़ uh, जो होती है उसको डेटा बोला जाता है और एक होता है स्ट्राइड जिसको आगे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्ट्राइड क्या करता है तो देखो स्ट्राइड जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं स्ट्राइड क्या होता है यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने स्ट्राइड स्ट्राइड को बताने की कोशिश करी है कि स्ट्राइड करता क्या है देखो सबसे पहले तो हेडर आप देखो ऊपर के जो ये दो लाइंस दिख रही हैं ये एक एरे है ए एरे है उस एग्जाम्पल एरे की इन्होंने यहाँ पर यह हेडर बताया हुआ है हेडर uh, में देखो इन्होंने डेटा टाइप स्टोर किया हुआ है और डायमेंशन काउंट स्टोर किया हुआ है तो डेटा टाइप इधर लिखा हुआ है फ्लोट थर्टी तो फ्लोट जो है वो जनरली फोर बाइट्स का होता है डेटा तो ये फोर बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा और उसके बाद यहाँ पर जो अगली चीज़ है वो है डायमेंशन तो आप डायमेंशन में देख सकते हो यहाँ पर डायमेंशन लिखा हुआ है थ्री बाई थ्री मतलब थ्री आर द नंबर ऑफ रोज एंड थ्री आर द नंबर ऑफ कॉलम्स है ना ये चलो ठीक है हेडर और डायमेंशन हो गया डेटा तो डेटा मतलब क्या एक्चुअल डेटा उसके अंदर क्या है तो एक्चुअल डेटा यहाँ पर रो मेजर अरेंजमेंट होगा ये यहाँ पर इन्होंने हेडर में बता दिया होगा ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर जो डेटा है वो डेटा ये है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये रो मेजर अरेंजमेंट है और थ्री बाय थ्री का अरेंजमेंट था तो ये थ्री पहली रो ये थ्री दूसरी रो और ये थ्री वैल्यूज जो हैं ये तीसरी रो क्लियर है इतना तो पता है हमको कि रो मेजर अरेंजमेंट जो होता है उसमें रोज़ के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो जीरो वन टू पहली रो का डेटा थ्री फोर फाइव दूसरी रो का डेटा और सिक्स सेवन एट तीसरी रो का डेटा अब यहाँ पर आप चीज़ और समझो ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ फ्लोट हैं और फ्लोट का साइज़ क्या होता है फोर पाइट्स होता है तो यहाँ पर अब समझो ये स्ट्राइड में क्या चीज़ों को स्टोर करता है यहाँ पर डायमेंशन में थ्री और थ्री वैल्यू स्टोर थी यहाँ पर बारह और चार क्यों स्टोर किया इसको थोड़ा सा समझते हैं ये जो पहला बारह जो ये लिखा हुआ है ये बारह का मतलब ये होता है कि एक रो से दूसरी रो पे अगर आपको स्विच करना है तो स्ट्राइड ये बताता है कि आपको कितनी बाइट्स आगे बढ़ना है, है ना तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बारह इसका मतलब ये हुआ कि अगर बारह बाइट्स आगे मूव करेंगे तो हम सेकेंड रो में आ जाएंगे फिर उसके बाद बारह बाइट्स मूव करेंगे तो हम अलग नेक्स्ट रो में आ जाएंगे ये तो हुआ चलो रो पे मूव करने के लिए अगर नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करना हो तो नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है फोर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फोर फोर बाइट्स स्किप करके आगे बढ़ते हो फोर फोर बाइट्स आगे बढ़ोगे तो आप अगली डेटा वैल्यू पर आते जाओगे है ना और पूरा ट्वेल्व बाइट स्किप करोगे तो आप अगली रो पर आ जाओगे तो स्ट्राइड जनरली ये वैल्यूज को स्टोर करता है स्ट्राइड मतलब कि एक Uh, कह सकते हो ना कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स डेट यू नीड टू स्किप है ना तो अगर आप फोर कैरेक्टर्स स्किप करो फोर बाइट्स स्किप करोगे तो आप नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाओगे पर आप सिंपली ट्वेल्व बाइट्स स्किप करोगे तो आप नेक्स्ट रो पे आ जाओगे तो ये इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर कि ये स्ट्राइड होता क्या है होप आप लोगों का क्लियर होगा आगे बढ़ते हैं हाँ अब देखिए यहाँ पर अब हम देखते हैं कुछ और ऑल्टरनेटिव एरे क्रिएट करने की कुछ मेथड्स जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं उनको हम थोड़ा सा समझने की यहाँ पर कोशिश हैं। देखें यहाँ पर पहला जो तरीका इन्होंने हमको बताया हुआ है वो है एम टी फंक्शन चलिए देखते हैं ये एम टी फंक्शन होता क्या है नाम से ही जैसे कि हमको समझ में आ रहा है एम टी एम टी का मतलब होता है ब्लैंक तो ये फंक्शन क्या करता होगा ये फंक्शन एक ब्लैंक एरे क्रिएट करता होगा ठीक है तो थोड़ा सा इसको हम रीड करके देखते हैं कि ब्लैंक एरे तो चलो ठीक है पर इसको टेक्निकली क्या बोला गया है समटाइम्स यू नीड टू क्रिएट एम टी एरेज और अन इनिशियलाइज्ड एरे ऑफ स्पेसिफाइड शेप एंड डेटा टाइप इन विच यू कैन स्टोर एक्चुअल डेटा एज एंड वैन रिक्वायर्ड फॉर दिस यू विल यूज़ एम फंक्शन ठीक है कभी आपको अगर अन इनिशियलाइज्ड एरे बनाना है उसका साइज़ आपको पता है कि टू बाई टू का बनेगा थ्री बाय टू का बनेगा थ्री बाय थ्री का बनेगा आपको साइज़ पता है कि एरे कितना बड़ा बनेगा और उसमें अभी क्या वैल्यू डालनी है वो आपको नहीं पता है क्योंकि वो वैल्यू जब यूज़र डालेगा तो वो वैल्यूज़ का एक अलग से एरे बनकर तैयार होगा वो वो थ्री बाय थ्री की वैल्यू यूज़र डालेगा और वो थ्री बाय थ्री की वैल्यू जब यूज़र डालेगा तो ये एम टी फंक्शन में आके स्टोर होगी और ये जो अभी एम टी था इस एरे में कुछ डेटा बाद में इनपुट होने वाला है जो कि अभी नहीं है एज एंड वेन रिक्वायर्ड है ना जब रिक्वायर्ड होगा तब वो वहाँ पर वो डेटा को इनपुट करेगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ अगर आपको करना हो तो उसके लिए आप लोगों को एम फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है एम फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है हम रीड करके देखते हैं एम फंक्शन कैसे लिखा जाता है तो वही हमारा सबसे पुराना तरीका नम्पाई डॉट एरे फंक्शन यूज़ करते थे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नम्पाई डॉट एम फंक्शन ये देखो फंक्शन का साइन लगा हुआ है ठीक है उसके बाद अब क्या देना है आपको आपको प्रोवाइड करना है कि हमारे एरे का शेप क्या है शेप के बाद आपको प्रोवाइड करना है हमारे एरे का डेटा टाइप क्या है और इसके बाद हमें प्रोवाइड करना है ऑर्डर सी और एफ तो ऑर्डर मतलब क्या कॉलम मेजर अरेंजमेंट है या रो मेजर अरेंजमेंट है ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर सी मतलब होता है रो मेजर अरेंजमेंट और एफ मतलब होता है कॉलम मेजर अरेंजमेंट ठीक है uh, तो ये आपको पता होना चाहिए सी एलिमेंट्स कॉलम वाइज फर्स्ट number. ओके सी arranges array इन कॉलम वाइज सी मतलब कॉलम एफ मतलब रो ठीक है सिंपल है सी से कॉलम आपको क्लियर uh, हो जाएगा एफ से फोर्थ रैन इन्होंने दिया हुआ है तो सी मतलब कॉलम एफ मतलब फोर्थ रैन या रो ठीक है तो क्लियर है uh, आगे देखते हैं यहाँ पर इन्होंने उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है एक एग्जांपल से बताया होगा तो हम थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे अच्छा एक चीज़ और uh, बताने जैसी है यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू इन्होंने प्रोवाइड की है ये डी टाइप और ये ऑर्डर ये देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है आपको दिख रहा है डी टाइप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है और ऑर्डर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है जब कभी किसी चीज़ के सिंटेक्स को बताने के लिए अगर आ, कोई चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाए तो आप मान के चलो कि वो चीज़ कैसी है वो चीज़ एक ऑप्शनल वैल्यू है उसको आप प्रोवाइड करना चाहो तो कर सकते हो बट अगर आप नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो आपके प्रोग्राम में दिक्कत नहीं आने वाली है अब जैसे कि मैंने बनाया नम्पाई डॉट एम टी फंक्शन और उसमें सिर्फ शेप दिया थ्री और थ्री का तो मैंने इसमें कोई डी टाइप नहीं दिया और ऑर्डर नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली उसको कुछ तो वैल्यू लेनी होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पाइथन कौन सा डी टाइप लेता है तो बाई डिफ़ॉल्टे फ्लोट डेटा टाइप लेता है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए बाई डी टाइप की वैल्यू फ्लोट रहेगी और अगर आपने ऑर्डर नहीं बताया है तो बाई डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर रहेगा वो कॉलम वाइज अरेंजमेंट रहेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आ, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर और क्या बताया हुआ है इन्होंने एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए होंगे तो उससे ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा हाँ देखिए यहाँ पर इन्होंने बनाकर भी हमको बताया हुआ है पहला बनाया है ए आर आर वन और दूसरा बनाया है ए आर आर टू तो पहले हम देखते हैं ए आर आर वन को ए आर आर वन में उन्होंने वैल्यू डाली नंबाई डॉट एम टी एन पी डॉट एम टी फंक्शन और यहाँ पर थ्री कॉमर टू कोई डेटा टाइप यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है बस थ्री नंबर ऑफ़ रोज एंड टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ये इन्होंने ब्रैकेट में बताया और दूसरा एक बताया है इन्होंने ए आर आर टू यहाँ ए आर आर टू की वैल्यू दी है थ्री कॉमर फोर मतलब कि थ्री आर द नंबर ऑफ रोज़ फोर आर द नंबर ऑफ कॉलम्स और डेटा टाइप भी स्पेसिफाई किया है जो कि है एन पी डॉट आई एन टी एट मतलब इंटीचर एट की वैल्यू यहाँ पर ये एक डेटा टाइप होगा आगे देखते हैं इन्होंने पहले वाले का ए आर आर वन का डेटा टाइप निकाला और ए आर आर टू का डेटा टाइप निकाला तो पहले वाले में तो आपने कोई डेटा टाइप दिया था नहीं तो देखो उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप फ्लोट सिक्सटी फोर उसने ले लिया दूसरे वाले का आपने एन पी डॉट आई एन टी दिया था तो यहाँ पर आप देखो डेटा टाइप का जो आंसर आया है वो डी टाइप और ब्रैकेट के अंदर आई एन टी एट आउटपुट आया है ठीक है अगली चीज अब इतना तो हो गया अब आप जब इसको रन करोगे ये तो एम टी है ना खाली है ये तो जब ये खाली होता है और आप इसको जब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो आउटपुट देखने की कोशिश करते हो तो देखो आउटपुट में कुछ वैल्यू आई है बहुत अजीब सी वैल्यू है है ना ऐसी वैल्यू है जो हम समझ नहीं सकते कचरा वैल्यू है ये हमारे लिए तो यहाँ पर ये जो कचरा वैल्यू है हमारे लिए इसको इंग्लिश में भी वही बोला जाता है कि जब कभी आप कोई एक एम फंक्शन बनाते हो तो उसका जो आउटपुट एरे जो होता है वो एम तो बनती है पर उसके अंदर ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये Uh, कुछ रैंडमली जनरेटेड क्या होती हैं ये अन गार्बेज गारबेज वैल्यूज़ होती हैं गार्बेज मतलब कचरा है ना तो यहाँ पर एम टी फंक्शन जब आप क्रिएट करोगे और उसमें आप कुछ शेप दे दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट है तो एम टी पर उसके एम टी होने पर भी वो कुछ अन uh, कचरे वाली वैल्यूज़ या अन इनिशलाइज्ड गारबेज वैल्यूज़ को वहाँ पर प्रोवाइड कर देता है और वहां पर आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी गार्बेज वैल्यू जरूर देखने को मिलेगी जो आप लोगों के काम की बिल्कुल भी नहीं होगी बट वो वहां पर आती है तो ये आपको पता होना चाहिए और आगे बढ़ते हैं हाँ अब देखिए यहां पर अब उन्होंने एक और फंक्शन बताया हुआ है जो है जीरोस फंक्शन अब ये जीरोस फंक्शन क्या करता है तो ये समझते हैं पहले तो आप याद करो कि अभी जो पिछला टॉपिक देखा वो क्या था वो था एम फंक्शन एम फंक्शन क्या करता है शेप दे दो डेटा टाइप दे दो और ऑर्डर दे दो वो आपको एक एरे बना देगा अगर आप डेटा टाइप नहीं देते हो तो फ्लोट ले लेगा और अगर आप ऑर्डर नहीं देते हो तो वो कॉलम वाइज अरेंज कर देगा उसके बाद आउटपुट जब आप जनरेट करने की कोशिश करते हो ए आर वन अगर आपका सैंपल है तो आप उसको अगर जनरेट करते हो तो वो कुछ रैंडम वैल्यूज़ वहाँ पर जनरेट करता है जिनको गारबेज वैल्यूज़ भी बोला जाता है अब देखो एक जो ये सेकेंड फंक्शन दिया है वो है जीरोज फंक्शन जीरोज फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप एम एन पी डॉट एम टी फंक्शन की जगह एन पी डॉट जीरोज फंक्शन लगाओगे और बाकी का बाकी जो इसका सिंटेक्स है वो पूरा का पूरा एम टी फंक्शन जैसे ही है तो ऐसे में क्या होगा यहाँ पर आपके प्रोग्राम में अब ऑल जो वैल्यूज जो गार्बेज वैल्यूज स्पेसिफाई हो रही थी वहाँ पर अब ये क्या कर देगा गार्बेज वैल्यूज़ की जगह ऑल दोज वैल्यूज़ विल बी फिल्ड विथ ज़ीरोज़ मतलब वहाँ पर अगर आपने थ्री बाई टू की मैट्रिक्स बनाई है तो ज़ीरो 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 और जीरो ज़ीरो ये तीन रोज़ और दो कॉलम्स की वैल्यू ये आपको देखने को मिलेगी ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पर देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ बनाकर बताया ए आर आर थ्री एन पी डॉट जीरो टू बाई थ्री मतलब दो रोज तीन कॉलम्स डेटा टाइप भी दे दिया है उन्होंने नहीं भी देंगे तो भी चलेगा और ऑर्डर भी दे दिया उन्होंने फोट्रैन नहीं देंगे तो भी चलेगा जब इन्होंने ए आर आर थ्री को एग्जीक्यूट कर दिया तो कोई गार्बेज वैल्यू यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हुई है यहाँ पर जो वैल्यू प्रोड्यूस हुई है वो जीरो ज़ीरो जीरो 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 है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको गार्बेज वैल्यू प्रोड्यूस करना है तो एम्प्टी फंक्शन यूज़ करो जीरोज़ प्रोड्यूस करना है एरे को खाली रखने के लिए तो जीरोज़ फंक्शन यूज़ करो और एक और यहाँ पर एक और बताया हुआ है जो है वंस फंक्शन सिंपल है जीरोज़ फंक्शन में जीरो पोट होता था तो वंस फंक्शन में क्या पुट होता होगा वन पुट होता होगा यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल इन्होंने बताया हुआ है एन पी डॉट वन दो बाई थ्री का मेट्रिक फ्लोट थर्टी टू बता दिया आउटपुट में जब इस एरे को जनरेट करने की कोशिश करी तो यहाँ पर आउटपुट क्या आया वन 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 मतलब कि यहाँ पर इन्होंने ऑटोमेटिकली वहाँ पर वन को स्टोर कर दिया फ्लोट था इसलिए आउटपुट वन पॉइंट वन पॉइंट और वन पॉइंट आया है ना अगर यहाँ पर फ्लोट की जगह इंटीजर होता तो वन 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 ही आउटपुट में आता आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक और इन्होंने बताया हुआ है कि एक और चीज़ यूज़ की जा सक जा सकती है जिसको बोलते हैं एम टी लाइक जीरोज लाइक और वंस लाइक like. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर एम टी लाइक एम टी लाइक मतलब पहले से किसी बने हुए आ, एरे के मतलब जो एग्जिस्टिंग एरे है आपका उस एरे की जो सेटिंग्स हैं उस एरे का जो डेटा टाइप है उस एरे की जो नंबर ऑफ़ रोज हैं उस एरे की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उस एरे का जो ऑर्डर है कॉलम मेजर या रो मेजर जो भी है वो पूरी की पूरी जो उसकी एट्रीब्यूट्स है जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कॉपी हो जाए और ज़ीरो जीरो जीरो प्रिंट हो जाए या गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाए या वन 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 वैल्यू प्रिंट हो जाए जैसे कि देखो इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अपने को बताया हुआ है यहाँ पर एक इन्होंने पहले ए आर आर थ्री बनाया ठीक इस ए आर आर थ्री को बनाने के बाद इन्होंने इस ए आर आर थ्री की वैल्यूज़ को देखा यहाँ पर ज़ीरो जीरो जीरो थ्री जो आपने ऊपर बनाया था वो ए आर आर थ्री है ये अब इस ए आर आर थ्री में देखो यहाँ पर इन्होंने इस ए आर आर फोर को क्रिएट किया है अब ए आर आर फोर में क्या डाल दिया आपने एन पी डॉट वंस अंडर स्कोर लाइक फंक्शन ए आर आर थ्री मतलब कि जो ए आर आर थ्री का डेटा टाइप है जो कि आई एन टी सिक्सटी फोर वही डेटा टाइप अब इस ए आर आर फोर का भी होने वाला है अब आपको डिफाइन नहीं करना है क्योंकि आपने एक एग्जिस्टिंग एरे ले लिया है और वह एग्जिस्टिंग एरे है ए आर आर थ्री मतलब ए आर आर थ्री का जो डेटा टाइप है वो ही अब किसका होगा आपके इस ए आर आर फोर का भी होगा ये होता है आपका वंस लाइक फंक्शन अब प्रॉपर्टीज तो वही की वही हो गई बट वैल्यू क्या प्रिंट करेगा आपने वंस लाइक यूज किया है ना तो सारी वैल्यू वन 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 प्रिंट कर देगा सिमिलरली अगर लाइक like यूज़ करता तो प्रॉपर्टीज़ वही होती पर जीरो 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 प्रिंट होता और अगर एम टी लाइक यूज करता तो प्रॉपर्टीज वही होती बट गारबेज वैल्यूज वहाँ पर प्रोड्यूस कर दी जाती ठीक है उसके बाद और भी कुछ यहाँ पर इन्होंने एक टेबल बताया हुआ है और भी कुछ फंक्शंस होते हैं कौन कौन से होते हैं इनको शॉर्ट में हम यहाँ पर समझते हैं कि वो क्या होता है पहला दिया हुआ है एनपी डॉट आई फंक्शन अब एन पी डॉट आई फंक्शन के अंदर वैल्यू दे दी फाइव तो देखो ये फाइव बाई फाइव का एक मैट्रिक्स जनरेट करेगा ठीक है और इस फाइव बाई फाइव के मैट्रिक्स में जो डायगोनल हो गए वो डायगोनल्स की वैल्यू वन होगी मतलब जैसे कि ये मेरा एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल आप लोग को समझाता हूँ फाइव बोली ना उन्होंने तो ये एक दो तीन चार पाँच और ये एक दो तीन चार पाँच जो डायगोनल्स हैं मतलब कि ये 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 और ये ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये सारी वैल्यूज़ क्या रहने वाली हैं वन और बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये कुछ भी हो सकती हैं बट जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सारी डायगोनल वैल्यूज़ जो रहेंगी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की वो डायगोनल वैल्यूज़ क्या रहेंगी वो डायगोनल वैल्यूज़ रहेंगी फाइव वन ठीक है फाइव बाई फाइव का मैट्रिक्स था पर वैल्यू रहेगी वन ऐसा का ऐसा एक और फंक्शन है जिसको बोलते हैं फुल फंक्शन यहाँ पर क्या होगा टू बाय थ्री का मैट्रिक्स क्रिएट होगा क्योंकि ब्रैकेट में टू बाय थ्री पास किया है और कॉमा करके सिक्स लिखा है मतलब सारी वैल्यूज क्या होंगी शिक्स, शिक्स, और ये उसकी वैल्यूज होंगी अगला दिया हुआ है एक रैंडम फंक्शन तो उसको लिखा है आर ए एन डी ओ एम डॉट आर एन डी और यहाँ पर ये रैंडम फंक्शन क्या करेगा थ्री बाय फोर का मैट्रिक्स जमाएगा और इस थ्री बाई फोर के मैट्रिक्स में रेंज क्या होगी ज़ीरो और वन मतलब यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी या तो ज़ीरो आएगी या तो वन आएगी अगला होता है रैंडम फंक्शन में ही आप अगर मैट्रिक्स का साइज बता दो और यहाँ पर इंटू हंड्रेड कर दोगे तो इंटू हंड्रेड लिखने से ये क्या करेगा आप जीरो से लेकर हंड्रेड तक की कोई भी रैंडम वैल्यू का यूज़ करके मैट्रिक्स बना देगा अगला दिया हुआ है रैंडम इंट अब रैंडम इंट क्या करता है आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना होता है कि क्या क्या वैल्यूज़ यूज़ करनी है तो यहाँ आपने लिख दिया फ़ाइव मतलब ज़ीरो से लेकर फोर तक की वैल्यूज़ का ये यूज़ करेगा और क्या साइज़ का मैट्रिक्स बनाना है तो टू बाई थ्री का मैट्रिक्स यहाँ पर बनाना है तो ये कुछ इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है आ, मैं आप लोगों को इसका स्क्रीन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो आप लोग एक बार ये पूरे पूरे कंटेंट को जो अब हमने पढ़ा है आज उसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से समझ लेना कुछ डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अगला ये जो टॉपिक है इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्किंग विथ नम्पाई एरिस और राइट सो दिस इज इट फॉर टू क्लास आई विल बी मूविंग टू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास कुछ डाउट्स हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं ओके थैंक यू स्टूडेंट्स सी एम इन द नेक्स्ट क्लास